याचा उद्घाटन सोहळा आहे. या चौकीच्या निर्माणामध्ये बहुतेक भरपूर लोकांनी सहयोग केलेला आहे, योगदान दिलेलं आहे, श्रम दिलेले आहेत. त्याच्यापैकी काही लोकांचा सत्कार होईल, ज्याचा नाही होणार किंवा राहून गेला असेल त्यांनी आम्ही मनापासून सत्कार करतो असं समजून घ्यावं. सर्वात प्रथम मी विद्यमान आमदार माननीय श्री ऍडव्होकेट आशिष शेलार साहेब यांचा सत्कार माननीय श्री त्यानंतर माननीय एसीपी श्री बरगुडे साहेब यांचा सत्कार माननीय श्री एसीपी दुरी साहेब करतील अशी मी त्यांना विनंती करेन. बरगुडे साहेबांचा आता आजचा त्यांचा सेवेचा शेवटचा दिवस आहे. पोलीस खात्यातील एसएससी सेवा पूर्ण केल्या त्यांच्या पुढील भाविष्यासाठी त्यांना सर्वांतर्फे हार्दिक शुभेच्छा. निरोगी स्वागत करतात, त्याप्रमाणे पुढील भाविष्यासाठी शुभेच्छा देतात. त्यानंतर माननीय श्री धन्यवाद. त्यानंतर आणि बांद्रा वाहतूक विभागाच्या वतीने मी रोटरी साहेबांना विनंती करेन की असं सहकार्य जो आरटीओ ऑफिस है बहुत ही अहम जगह पर है, उसका ब्यूटिफिकेशन हुआ आज, उसका इनॉग्रेशन हुआ, व्हाट आई वुड टू से क्या कहना चाहोगे सर? खार स्वामी विवेकानंद रोड पर कई सालों से यहाँ पर एक पुलिस बीट चौकी थी, सामान्य जनता के हित के लिए यहाँ बनाई गई थी, चलन भरना बाकी सब चीज़ें, और पुलिस के हमारे ट्रैफिक विभाग के लोगों को भी कार्रवाई करने में सुविधाजनक हो. लेकिन ऐसी इस चौकी का गत कुछ सालों से और महीनों से उसकी स्ट्रक्चरल स्थिति बहुत गंभीर थी, और ऐसे डिलैपिलेटेड पुलिस चौकी में हमारे दुर्भाग्य से ट्रैफिक पुलिस के लोग बैठते थे. आज आनंद इस बात का है कि समाज ने खुद आकर, डोनर्स ने और धनदाताओं ने भी मदद करके, खुद समाज में से कई धनदाता सामने आकर ये पुलिस बीट को रिपेयर और रिकंस्ट्रक्ट किया है. मुझे लगता है अपने आप में बहुत मौके पर जनहित में किया हुआ एक काम है. इसके लिए मैं खार पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, एसीपी ट्रैफिक, एसीपी पुलिस, इन सभी को बहुत सारी बधाई देता हूँ, और जनता से भी निवेदन करता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस ये अपना मित्र है, वो झगड़ा उसके साथ करने की वो मशीन नहीं है, और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ भी अच्छी तरीके से व्यवहार करना, क्योंकि वो अपने हित का ही काम करते हैं, इतना संदेश जरूर करूंगा. आशीष जी, इस तरह लोग आगे आए और जैसे यू नो जहाँ पर उनका ब्यूटिफिकेशन किया जाए या वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, आप मतलब लोगों को क्या अपील करोगे मैसेज, स्पेशली लाइक दोज़ हू आर इन द सराउंडिंग? एक्चुअली बात समाज में ऐसी है कि जो सरकारी वास्तु है वो मेरी नहीं, इस प्रकार की भावना कई लोगों में है. होना तो उल्टा चाहिए कि जो सरकारी वास्तु है वो हमारी सबकी है, और उसका ओनर्स अगर हमने लिया तो उसका रखरखाव, उसका सौंदर्यीकरण, उसका सुशोभीकरण, ये सभी अपनी जिम्मेदारी मानकर अगर करें तो इससे स्वाभाविकता पुलिस स्टेशन हो, ट्रैफिक पुलिस हो, राशनिंग ऑफिस हो, तहसीलदार ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, या कोई और चीज़ हो, ये सब भी बहुत खूबसूरत और समाज उपयोगी बन सकती है, और उसमें समाज ने ओनस लेना चाहिए. और उस भावना का प्रतीक इस पुलिस चौकी के पुनर्निर्माण से हुआ है, तो मुझे लगता है अभी से एक नया अभियान शुरू हो चुका है. आशीष जी ने कहा कि ये ट्रैफिक चौकी में जो भी काम होता है वो जनता के हित के लिए होता है, उनके रखरखाव के लिए होता है, तो यहाँ पे बैठने वाले जो लोग हैं वो जनता की सुरक्षा क्या सोचते हैं, तो हमें सबसे पहले उनकी सुरक्षा का सोचना चाहिए. और इसलिए ये जो ट्रैफिक चौकी का अच्छा काम हुआ है उसके लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ, और ऐसे ही काम पूरे मुंबई में जहाँ जहाँ सरकारी चीज़ें हैं उनको, उनका जो ब्यूटिफिकेशन है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे लिए दिन रात धूप में बारिश में खड़े रह के अपने, कभी कभी तो उनकी ड्यूटीज़ कंटिन्यूसली लगती है क्योंकि बारिश बहुत गिरती है, तो उनको घर जाने का भी पॉसिबल नहीं होता है. जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा है तो उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि कौन गाड़ी में से निकल रहा है, तो इनके लिए ये पूरे 24 घंटे कभी कभी काम करते हैं, तो इनकी सुरक्षा और इनकी जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है, और इसके लिए ऐसी चीज़ें मुंबई में होनी चाहिए. मैं इन सभी को
मेरी तरफ से बधाई देती हूँ। रॉनी रॉड्रिक्स जी इसके लिए आगे आए, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? हम कहना चाह मैं तो ये कहूँगी कि रॉनी जी ने जो आज किया है वो एक उत्तम उदाहरण है कि हम जब भी व्यवसाय में कुछ आगे बढ़ते रहते हैं तभी समाज के लिए भी अपनी जिम्मेदारी है, ये हमें समझना जरूरी है। और इसका जो उदाहरण है, उत्तम उदाहरण रॉनी जी ने रखा है, तो ऐसे ही हमारे जो व्यवसायिक है जो अपने बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से आगे जा रहे हैं उनके लिए उदाहरण है कि उनको भी आगे आना चाहिए, सरकारी कामों में अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। From my side, since he was retiring today on 31st May. So I have done this initiative on this way. Because since 40 years, 40 साल तक किसी ने repair की, किसी ने initiative नहीं लिया। बाजू की society तारपत्री देती थी, ऊपर लगता था। खाली मेरा एक friend है पाटिल, he came here, मोरे साहब से मिला है, बोला देखो ये पानी में हम लोग कैसे बैठ सकते। बस दैट्स इट एंड नथिंग। तो सर आगे भी ऐसी कोई प्लानिंग्स है कि आगे और सी बहुत सी ऐसी चौकी होगी या कोई गवर्नमेंट? होपफुली द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट दोस थिंग ना, इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हैज कम जस्ट टू गिव अ हेल्पिंग हैंड एंड नथिंग एल्स। ओके ओके रोनी जी हाँ आइए।